सबसे पहले ना मैंने आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने आपका एक वीडियो देखा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जस्ट लाइक की प्राची मैम का मंत्र आ, मेंस निकलेगा तुरंत ओके ओके okay, okay. पहले हमारी ऑडियंस को मेंस के मंत्र दे दीजिए कि मेंस कैसे निकालते हैं <laughs> येस yes, काफ़ी सारे बच्चे जब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेती हूँ hmm. तो काफ़ी सारे बच्चे मंत्र पूछते हैं मैम प्लीज़ मेंस का मंत्र बता दीजिए मेन्स hmm. का मंत्र बता दीजिए बट एक्चुअली में मेंस का कोई मंत्र होता नहीं है Correct. जैसे कि आपको भी पता होगा इट्स ऑल अबाउट हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क इन टूडेज एरा मतलब कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की ही जरूरत होती है Correct. और बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ hmm. कि मंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती है डोंट गो फॉर शॉर्टकट Right. आप पूरी मेहनत करो उसके बाद जो है आपका एग्जाम जो है वो जरूर निकलेगा राइट वन थिंग यू हैव स्मार्ट वर्क के लिए एस्पिरेंट्स के लिए स्मार्ट वर्क होता क्या है स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है राइट स्मार्ट वर्क अगर हम देखें तो कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है नहीं। सबसे पहले स्मार्ट वर्क में उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है right. क्योंकि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर दोगे देन आपके सामने एक फिल्टर आउट होके वो चीज़ें वो टॉपिक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत जरूरी है देन उसके बाद मुझे लगता है जो आपका सोर्स है वो आपका वाइड नहीं होना चाहिए लिमिटेड सोर्स रखो क्योंकि सोर्सेस ज्यादा होंगे तो अगेन वो आपका हार्ड वर्क हो जाएगा स्मार्ट वर्क नहीं होगा तो स्मार्ट वर्क के लिए सोर्सेस को भी लिमिटेड रखो देन उसके बाद उन टॉपिक में से भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एग्जाम में क्या लिखेंगे तो क्या हमें मार्क्स में एज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी तो इन सब चीजों को एस्पिरेंट को ध्यान में रखना चाहिए राइट